हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी राजस्थान पीटीआई डीडब्ल्यूएसबी केवीएस एनवीएस अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उनमें सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? किसको जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है यह बताना है आपको। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, गटस मटस को कहा जाता है, जॉन बैसेडो को कहा जाता है, या फिर इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है। अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट आंसर यहां पे हो जाता है, गटस मटस के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्नास्टिक में महिलाओं व पुरुषों के लिए यंत्र होते हैं, कैसे होते हैं? समान, अलग अलग, मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। यहां पे जो आंसर रिलेट करेगा किससे रिलेट कर जाएगा, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहां पे भी रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए फ्लोर की लंबाई कितनी होती है यह बताना है आपको। जिम्नास्टिक जो जिम्नास्टिक गेम होता है इसमें पुरुषों के लिए फ्लोर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 मीटर होगी, 18 मीटर होगी, 34 मीटर, या फिर 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर यहां पे हो जाता है 12 मीटर, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए फ्लोर की चौड़ाई बताना। अभी आपने लंबाई के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद देखिएगा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी। 22 मीटर होगी, 16 मीटर होगी, 12 मीटर होगी, या फिर डी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर फोर को अटेम्प्ट करके आपको बता देना कि इसका जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन से रिलेट करता है, 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में पामेल हार्स की लंबाई कितनी होती है? 1800 mm होती है, 4000 mm होती है, 1600 mm होती है, या फिर 1000 mm होती है। तो 5 का जो आंसर यहां पे होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है। आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, और साथ में अपना मॉक टेस्ट जो भी प्रोवाइड किया जाता है उसको लगाते रहिएगा जिससे आपको अपनी स्कोरिंग पता चले और किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है वो भी आप क्लिक कर सकें, और साथ में सिलेक्शन किस लेवल पर आपका होना है ये भी आपको यहां से पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा 1600 mm के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में रिंग की मोटाई कितनी होती है? इसमें जो रिंग की मोटाई होती है वह कितनी होती है? 40 mm होती है, 28 mm होती है, 33 mm होती है, या फिर 55 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर, पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में रिंग की मोटाई कितनी होती है? तो ये जो रिंग की मोटाई हो जाएगी आपका 28 mm के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए रिंग्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये बताना है आपको, जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए जो रिंग की ऊंचाई होती है वह कितनी होती है? 8 मीटर होती है, 2.8 मीटर होती है, 7 मीटर, या फिर 99 मीटर। और इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप वहां से देखना चाहते हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन 2.8 मीटर, यानी कि बी उत्तर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, पुरुषों के लिए रिंग्स का भीतरी व्यास कितना होगा? तो पुरुषों के लिए बात की जा रही है रिंग का जो भीतरी व्यास होता है यह कितना होता है? 400 mm होता है,
480 mm, 180 mm या फिर 600 mm। रिंग्स का भीतरी व्यास बताना है आपको। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट किए हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहां पे आंसर अटेम्प्ट कर लिए हैं सी, उन सभी का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। 180 mm से रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस खिलाड़ी को जिम्नास्टिक में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको इसमें सम्मानित किया गया? दीपा कर्माकर को सम्मानित किया गया, देवेंद्र कुमार राठौर को सम्मानित किया गया, ए व बी दोनों, या फिर आप इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे? ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का परिवर्तित नाम आपसे पूछा गया था, उसकी पुरस्कार राशि ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। नाइन्थ का जो आंसर हो जाएगा आपका दीपा कर्माकर से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, टेंथ नंबर है। निम्न में से किस खिलाड़ी को जिम्नास्टिक में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया? कौन से खिलाड़ी को इसमें जिम्नास्टिक में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्यामलाल 1961, देवेंद्र कुमार राठौर, दीपा कर्माकर 2016, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन से खिलाड़ी को जिम्नास्टिक में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किए गए देवेंद्र कुमार राठौर, बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिम्नास्टिक में जिम्नेजियम हॉल की लंबाई कितनी होती है? इसमें बताना है जो जिम्नेजियम हॉल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, और साथ में अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में जो डेली मॉक टेस्ट क्विज प्रैक्टिस सेट्स जो भी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो डेली का डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख सकें, और साथ में रिविजन टेस्ट जो पुराने क्वेश्चन हैं वो भी आपको वहां पर रिपीट किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 60 मीटर जितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं यहां पे सभी का राइट आंसर होगा बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिम्नास्टिक में जिम्नेजियम हॉल की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है ये बताना है। 45 मीटर होती है, 78 मीटर होती है, 30 मीटर होती या फिर 70 यानी 70 मीटर हो जाती है? बताइएगा ऑप्शन यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा। डेली आपको मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, यूट्यूब चैनल पे आपको सुपर से सुपर क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जिस तरीके से पहले टीजीटी में किए थे उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। 12th का जो राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, 30 मीटर से रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, निम्न में से किस खेल को जिम्नास्टिक की जननी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, एथलेटिक्स को कहा जाता है, स्विमिंग को कहा जाता है, ए व बी दोनों को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिम्नास्टिक की जननी कौन से खेल को कहा जाता है? क्वेश्चन देखना है आपको यहां पे कौन सा राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज, से जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं पार्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैराथन क्लासेस सुपर फास्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे और वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए व बी दोनों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, महिलाओं के लिए अन इवन बास की चौड़ाई कितनी होती है? 2400 mm होती है, 1000 mm होती है, 1600 mm या फिर 1435 mm होती है? क्वेश्चन नंबर 14, आंसर देखिएगा यहां पे कौन सा बिल्कुल राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन यानी 2400 mm के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा, एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 15th दिया हुआ है, महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? जो महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल होती है
उसकी ऊंचाई कितनी होती है यह बताना है आपको। 1000 mm होती है, 3333 mm होती है, 1350 mm या फिर डी ऑप्शन बताइएगा, उपरोक्त सभी के साथ में रिलेट करेगा। बताना यहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है 1350 mm, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 16th। महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई बताना, ये कितनी होती है, 3000 mm, 950 mm, 370 mm या फिर 380 mm। क्वेश्चन नंबर 16th राइट आंसर यहां पे हो जाता है क्या, बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, 950 mm से रिलेट कर जाता है। महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की लंबाई बताना है आपको यहां पे, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17th, 1200 mm होगा, 4440 mm, 3300 mm या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक लगाएंगे यहां पे, देखिएगा जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाता है। ए ऑप्शन 17th में ए उत्तर इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, महिलाओं के लिए फ्लोर की लंबाई कितनी होती है, जो महिलाएं हैं उनके लिए फ्लोर की जो लंबाई होगी इस गेम में वो कितनी होगी, 12 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या फिर 90 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए फ्लोर की चौड़ाई आपको बताना है यहां पे, 19th में आंसर होगा 23 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या फिर 12 मीटर। डी ऑप्शन 12 मीटर से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए पैरेलल बार्स की लंबाई बताना है आपको 20 में, 3000 mm, 3200 mm, 3500 mm या फिर 3800 mm इसका आंसर होगा। पुरुषों के लिए पैरेलल बार्स की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 20C ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, 10,000+ क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर, और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में जो डेली मॉक टेस्ट क्विज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।